केवल जीएसटी 1 और 3 बी को अफेक्ट करेंगे। इसका सीधा सीधा कंक्लूजन क्या होता है? इसका सीधा कंक्लूजन ये है कि जो रेगुलर टैक्स पेयर है, ये न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम उनके लिए आ रहा है। कंपोजिशन टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाले NRTB, उन पे न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। अब हमारे इस प्रेजेंटेशन का जो स्कोप है, बेसिकली वो क्या है, पहले हम आपको न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम का पर्पस हाईलाइट करेंगे, देन वी विल डिफाइन द बिजनेस प्रोसेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट existing scheme which is based on GST 1 and 3B and the new GST return system that we are going to launch in the coming days. Now other is forms and processes. Basically jo new GST return system hai wo kin kin forms pe based hai, unke forms ka proforma kya hai, kaun kaun si details hum log capture karenge wo yahan par hum aapko batayenge. Uske baad hai ki iska refund pe, refund kyunki bahut important hai khas taur pe Noida mein jo taxpayers hain unke liye, इस न्यू जीएसटी रिटर्न सिस्टम का रिफंड पे क्या इंपैक्ट होगा एंड द बेनिफिट्स। बेसिकली रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लाइबिलिटी पार्ट। लाइबिलिटी आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे भी बनती है और इनवर्ड सप्लाई पे भी बनती है अगर आप अनरजिस्टर्ड से लेते हैं या कोई भी सप्लाई रिवर्स चार्ज के अंदर आती है तो उस पर लाइबिलिटी आपकी बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया लाइबिलिटी। सेकंड जो कंपोनेंट होता है रिटर्न फाइलिंग का वो आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। बेसिकली ITC क्योंकि GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हर टैक्स पेयर को चाहिए होता है जिससे कि अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को ऑफसेट कर सके, जो उसने टैक्स दे के आया उसका बेनिफिट ले सके। एंड अदर वन इज कैश। बेसिकली टैक्स की लाइबिलिटी आप 2 तरीके से ऑफसेट करते हैं, वन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द अदर इज बेसिकली द कैश लाइंग ऑन योर कैश लेजर। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज पेमेंट। तो यहाँ पर आपने लाइबिलिटी डिक्लेयर करी फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट हाईलाइट किया, हमारे कैश लेजर में क्या अमाउंट है वो हाईलाइट किया, एंड थर्ड वन इज बेसिकली पेमेंट। पेमेंट इन्वॉल्व्स ऑफसेटिंग, जो भी हमारे पास लाइबिलिटी है उसको जो हम पे रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज क्या थे, हम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट था और कैश लेजर था, उससे हम उसे ऑफसेट कर रहे हैं। तो बेसिकली दैट इज द थर्ड पार्ट। तो बेसिकली रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू दीस 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स।